और दोस्तों, आज आपको फिटिंग में पैंट कटिंग करना बताएंगे मोटे लोगों के लिए। हैवी साइज में फिटिंग नहीं आ पाती है, लेकिन हम आज आपको ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो कि बहुत अच्छी फिटिंग आएगी हैवी साइज की। तो इसका नाप बता देते हैं आपको। तो नाप है 40 इंची लेंथ है, 42 इंची कमर है, 45 इंची हिप है, 26 इंची जांग है और 16 इंची मोहरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गुंडियाँ फंटी उठानी है, उसके बाद इसका लेवल निकालना है। लेवल इधर से किनारे की साइड में लगा के, और जितना कपड़ा वेस्टेज जा रहा हो ऊपर नीचे के कपड़े में, उसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, और फिर भी थोड़ा सा आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे इस तरह से। अब दोस्तों, इसको लंबाई कमर और हिप जो सबसे ज़्यादा हो उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारी हिप है, हिप है हमारी 45 इंची, तो 45 इंची का चौथाई करेंगे तो 11.25 आएगा। तो 11.25 पे हम निशान लगा लेंगे। अब 11.25 पे निशान लगाएंगे उसको भी इसी गुनिया फंटी से, इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे और आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से अब दोस्तों, हिप पर अच्छी फिटिंग आए इसलिए हमें राउंड वाली फंटी से यहाँ से किनारी से 0.5 इंची इधर और 2 सूत इधर हमें रखना है, ताकि हमारी फिटिंग परफेक्ट आए इस तरह से, और मार्का लगा लेना है इस तरह से। अब हमारी कमर पे गुलाई आएगी तो कमर पे फिटिंग अच्छी आएगी। अब हमें इसकी हिप का चौथाई लगाएंगे। तो हिप है हमारी 45 का चौथाई हुआ 11.25, 11.25 पे इसका ये मार्का लगा लेंगे और जांग का हाफ लगाएंगे। तो जांग है हमारी 26 इंची, 26 का हाफ हुआ 13 इंची, तो 13 इंची पे यहाँ पे मार्का लगा लेंगे। अब हमें कमर पे निशान लगाएंगे। तो कमर थी हमारी 42 इंची, तो 42 का चौथा हुआ 10.5 और 1.25 इंची मार्जिन ऐड करेंगे, 0.5 इंची यहाँ के लिए और 2 सूत यहाँ के लिए। जो जिप में मार्जिन जाता है वो कम जाता है, 2 ही सूत में हो जाएगा। तो इसको हम 11.25 यहाँ पर रख लेंगे। अब 11.25 किनारी सहित नापने पर 12.5 बैठ रहा है, और यहाँ पर भी 12.5 रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्के से इसका सीधा निशान लग जाएगा इस तरह से, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधा होगा तो हमारी झोल नहीं मारेगी यहाँ पे पैंट। अब हमें नॉर्मल पैंट में हम यहाँ पे 0.5 इंची का डाउन करते हैं, लेकिन ये हल्का सा पेट निकला हुआ है और हैवी साइज है, तो हमें यहाँ पे 1 इंची अंदर की तरफ नीचे डाउन करेंगे, 1 इंची डाउन कर देंगे और इस राउंड वाली फंटी से इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमें दोस्तों, हमें पॉकेट क्रॉस करने के लिए हमें 2.5 इंची पर इधर मार्का लगाना है और 7.5 इंची पर नीचे मार्का लगाना है, और सीधी शेप से इस तरह से। यही हमारा। अब यहाँ पर हम कमर लिख लेंगे, 42 इंची कमर थी। अब हमें इसमें राउंड देना है इस तरह से। अब हमें फ्लाई के लिए सेंटर लगा लेना है, निशान लगा लेना है। अब हमें लंबाई के लिए
एक इंची ऊपर निकाल देंगे जो बेल्ट में मार्जिन जाएगा, बेल्ट लगेगी और 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी, हमें 1 इंच निकालना है क्योंकि 0.5 इंची मार्जिन में चला जाएगा। और 40 इंची लेंथ है तो 40 पे ही यहाँ पर मार्का लगा लेंगे। अब हमें मोहरी में तुरपाई के लिए 2.5 इंची, आप 3 इंची रखना चाहो तो 3 इंची रख सकते हो, वैसे 2.5 इंची में मार्जिन सही लग जाता है, तुरपाई अच्छे से हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर इसी निशान को हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे। इस तरह से अब दोस्तों हमें क्रीज ना घूमे इसलिए हम यहाँ पे जितना में आए, यहाँ पे आ रहा है हमारा 13 इंची और किनारी सहित आ रहा है 14.25 इंची, तो हमें 14.25 किनारी सहित ही यहाँ पर निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब हमें 13 इंची पर इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, फीते को इंची टेप को मोड़ लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारा ये सेंटर बन गया। सेंटर इस तरह से सेंटर बनाना चाहें तो इस तरह से भी सेंटर बना सकते हैं, यहाँ पे भी 14.25 लगाएंगे और इसको भी ऐसे ही पलटेंगे, सोलह का हाफ करेंगे, सोलह का हाफ हुआ 8 इंची, 8 को हम 4 इंची इधर और 4 इंची इधर दोनों तरफ बराबर करके मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्के को, इस फंटी को, राउंड वाली फंटी को इस तरह से मिला के निशान लगा देंगे इस तरह से। दोस्तों इस तरह से फिटिंग कटिंग करने पर फिटिंग भी ज़बरदस्त आएगी और मोहरी में हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे हम इस तरह से, क्योंकि मोहरी पलटने के बाद ऐंठ पानती है, उसके लिए हल्का सा बढ़ा लेंगे। दोस्तों इस तरह से कटिंग करने पर न तो झोल आएगी और हर जगह फिटिंग अच्छी आएगी इस तरह से। अब दोस्तों हम किनारी को निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालना चाहें तो यहाँ से भी कट कर सकते हैं। मैं इसमें पट्टी लगा के बोन बनाता हूँ तो इसलिए मैं किनारी को निकाल देता हूँ इस तरह से। पैंट नॉर्मल स्लिम फिट पैंट की कटिंग देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में मैं वीडियो का लिंक लगा दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। और दोस्तों सफारी शर्ट की कटिंग करना चाहते हो तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमने मोटे लोगों की पैंट की कटिंग करना बताया है, इस तरीके से फॉलो करके आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट कटिंग आएगी। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो में बनाता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब इसके बाद हमें चटके लगाने, तो हमें चटका एक चटका फलाई का ये हो गया, ये हमारे पॉकेट के हो गए, यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ पे भी लगाना है। मोहरी के लिए चटका लगाएंगे इस तरह से। और दोस्तों ये हो गया फ्रंट की फुल कटिंग। अब बैक के लिए इस तरह से कपड़े को घुमाने के बाद बिछा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फ्रंट को
फ्रंट को इस तरह से रख लेंगे। फ्रंट को इस तरह से बिछाएंगे और सबसे पहले ये जो हमने क्रीज का निशान लगाया है इसको बराबर बैक में भी इतना ही रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6.5 इंची आया तो हमें नीचे मोहरी की तरफ भी 6.5 इंची ही रखना है ताकि हमारी बैक भी ना घूमे। इस तरह से हमें इसके जो मार्क आए वो सीधे करने हैं। इस तरह से घुटने का भी लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने 1 इंच इसको डाउन किया था तो अब इसको हम 1 इंची तो डाउन किया और 1 इंची और प्लस करेंगे। इस तरह से अब हमें यहाँ से इसको सीधा करेंगे। इस तरह से अब दोस्तों हमें यहाँ से इसका कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथाई हमें लगाना है 42 का चौथाई 10.5 इंची और 1.5 इंची मार्जिन और पीछे जो प्लेट डलती है यहाँ पे उसके लिए हमने 1.5 इंची मार्जिन छोड़ दिया। अब उसके बाद हमें 2.25 इंची लूजिंग के लिए छोड़ देना है जो बाद में लूजिंग करना चाहें तो उसके लिए हम लूज कर सकें तो 2.25 इंची मार्जिन छोड़ दिया है। अब उसके बाद हम इन निशानों को इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से और इस निशान को हम भी इस निशान से मिलाएंगे और ऐसे करके राउंड लगा लेंगे। और यहाँ पे हम बराबर कटिंग करेंगे, इधर की साइड में हम बराबर कटिंग करेंगे लेकिन यहाँ पे हम इसकी लूजिंग जो है नॉर्मल पेंट में हम 2.75 इंची की लूजिंग छोड़ते हैं लेकिन ये हैवी साइज है तो इसमें 3.25 इंची की लूजिंग बनाएंगे हम। और नीचे मोहरी में 1.25 इंची का मार्जिन लेंगे, इतना ही हमारा मार्जिन लगता है। और घुटने में हम 2.25 इंची का मार्जिन लेंगे। अब इसके बाद इस फंटी को राउंड वाली फंटी को हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमारे सारे मार्के इसी पर आ रहे हैं। अब हमें इन्हीं मार्कों पर सिलाई इन्हीं मार्कों पर निशान लगा लेना। 3.5, 2.25 और 1.25 इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो ना बैक में झोल बैक में क्रीज घूमेगी हमने फ्रंट में फ्री घूमेगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी, कहीं भी लूज नहीं बैठेगी और कहीं भी टाइट नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेट हों और आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर कपड़े में एक्स्ट्रा है तो लूजिंग भी छोड़ सकते हैं और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने निशान लगाया है हिसाब लगाया है जो नाप लिया है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन एक्स्ट्रा है तो छोड़ सकते हैं, बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो खोल सकते हैं। बैक के लिए हमें यहाँ पर चटका लगाना है और एक यहाँ पर भी चटका लगा लेंगे। दोस्तों ये हो गई हमारे हैवी साइज की पैंट की कटिंग। इसी फॉर्मूले को फॉलो करके आप बनाएंगे तो अच्छे से फिटिंग आएगी। थैंक यू।